नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन ब्रांड न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। गैर राजनीतिक देशव्यापी देश व समाज से सभी सामाजिक बुराइयों को जड़ से मिटाने हेतु 2011 से चलाए जा रहे ऑपरेशन विजय बुराइयों के खिलाफ जंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव मंगल सिंह आईपी ने 72वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर देशवासियों के नाम अपने अहम संदेश में कहा कि जहां एक तरफ देश ने काफी तरक्की की है, वहीं दूसरी तरफ सामाजिक बुराइयों के कारण समाज की इतनी भयानक स्थिति हो गई है, जहां आम जनता के अलावा माता पिता पुत्रों की पुत्रों द्वारा माता पिता सहित पारिवारिक लोगों की हत्या कर खूनी व पारिवारिक रिश्ते को कलंकित करने के साथ साथ मासूम व नाबालिग बच्चियों के साथ रेप, गैंगरेप व हत्या कर पूरे देश व समाज को कलंकित कर रहे हैं, जो गंभीरता चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद हमारे देश में चुनी गई सरकार को जिस तरह से वास्तविक कार्य करना चाहिए था, उस तरह से उन्होंने कार्य नहीं किया, जिसका परिणाम समाज में मनुष्य ने जन्म तो ले लिया है, परंतु शिक्षा व व्यवस्था के अभाव में इंसान कम, शैतान व हैवान अधिक बनते चले गए हैं, जो आज पूरे मानव समाज के लिए मुसीबत का खतरा बने हुए हैं। अंत में उन्होंने कहा कि ऐसे समाज को पुनः पटरी पर लाने के लिए देश का भ्रष्ट व निष्क्रिय राजनीतिक सिस्टम, जो सामाजिक बुराइयों को बढ़ाने व मिटाने में अहम भूमिका निभाते हैं, उसको बदलकर सर्व समाज हितार्थ नया राजनीतिक सिस्टम बनाना होगा, जिसके लिए ऑपरेशन विजय बुराइयों के खिलाफ जंग 2021 उत्तर प्रदेश से अपने एक विशेष अभियान को शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें सभी देशवासियों को समाज हितार्थ सहयोग देने की आवश्यकता है, जिसकी निश्चित तारीख की घोषणा अतिशीघ्र एक विशेष प्रेस वार्ता में की जाएगी।